छत पे मम्मी को चढ़ने में उतरने में दिक्कत होती है और हम इतने नल्ले बेरोजगार छपरी इंसान है कि हम मम्मी की मदद ही नहीं करते, तो मम्मी अकेले लगी रहती है हर बार। और दिखाई नहीं दे रहा, वैसे सफाई हो गई प्लॉट की, ये है शायद। ओह माय गॉड, इसके अंदर है भी नहीं है, लग रहा सांप निकलेगा इसमें से। प्रैंक ना करते मेरे साथ, अब हमारे घर में प्रैंक होने लगे तो डर लगता है। तो दिस इज बुरखले। तो अभी इसकी माला नहीं बनी है और अभी हम आएंगे ऑफिस से। जब आएंगे ना शाम को, शायद आज जल्दी छुट्टी हो सकती है, जल्दी तो नहीं होगी, 5:30 बजे होगी, तो फिर आके इसकी माला वगैरह बनाएंगे और शाम को होगी पूजा, फिर पूजा करने के लिए भी जाएंगे। और अभी फिलहाल हमारा प्लॉट काफी ज्यादा साफ सुथरा सा लग रहा है, मम्मी ने काफी सफाई करी है इधर भी। और ये हमारे छोटे 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 पौधे, ये बड़े ही नहीं होते, इनको जब भी देखो आप छोटे ही देखोगे इनको। ये भी मेरी तरह है, ये कभी बड़े नहीं होते। फिलहाल अभी चलते हैं हम ऑफिस के लिए और दिखाते हैं आज आपको रास्ते का हालचाल, कि रास्ते में होली किस तरीके की है। मतलब मैं 2 दिन से देख रही हूँ काफ़ी अच्छी, मतलब मेन रोड पे अच्छी खासी भीड़ भाड़ सी है और अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई है। बट मैं ब्लॉग ही नहीं बना रही थी तो मैंने कुछ शूट भी नहीं किया, तो आज शूट करेंगे सारा कि आज की होली हमारे मोकमपुर में कैसी हो रही है। और फिर आके शाम को जलेगी होली, फिर शाम को होली जला के शाम को फिर आपको होली का दहन भी दिखाएंगे। और जब तक मैं आऊंगी ऑफिस से, जब तक आपने अगर मेरी होली का दहन की पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि पिछली साल जो हमने फन किया था, जितना ज्यादा मजा आया था, होपफुली शायद इस बार भी ऐसा हो पाए। लेकिन पहले से मैं कुछ बोलती नहीं हूँ क्योंकि मेरा कुछ भी डिसाइड नहीं रहता है, इसलिए मैं पहले से कुछ भी नहीं बोलती हूँ। तो वो वाली वीडियो आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आई बटन में भी लगा दूंगी। और अभी फिलहाल अभी हम जाते हैं ऑफिस के लिए। तो फिलहाल मैं बाहर तो निकल आई हूँ, बट इस बार की मेरे को ये नहीं पता चल रहा है कि होली का दहन कहाँ होगी। वैसे तो मोस्टली यहाँ पे हो जाती थी, बट यहाँ पे अभी बन चुका है मकान, तो अभी मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे मम्मी सिर्फ पूजा की यहाँ पे इतनी सी रखी हुई है, बाकी शाम तक यहाँ पे पूरी बड़ी सी होली तैयार हो जाएगी। और अभी ऐसी होली आगे भी देखने के लिए मिलेगी, तभी हम रास्ते में देखते हैं और होली का कहाँ कहाँ पे रखी हुई है। और साथ में हमारे सब्सक्राइबर वाले बच्चे भी हैं सामने। हाय, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, बाय। तो भाई साहब बच्चे काफी ज्यादा समझदार है, उनको पता है कैमरा ऑन है, दीदी बाहर जा रही है, तो किसी ने भी नहीं फोड़ा। नहीं नहीं, तो ऐसे क्यों डरा रहा है, मतलब ऐसे करने की क्या जरूरत है। बाय, मतलब कि मछली खा रहा और मेरे को कर रहा दीदी नमस्ते, मैं डर गई, मुझे लगा गुब्बारा है हाथ में। यहाँ पे रखी हुई है और एक आगे रखी हुई है। और हमारे सब्सक्राइबर बच्ची हो, बीबी आके हेलो 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 हेलो, कैसे हो, हैप्पी होली। शाम को क्या लेके आऊँ तुम्हारे लिए बताओ? कुछ नहीं, गुब्बारे लेके आऊँ, गुब्बारे लेके आती हूँ, कलर लेके आती हूँ, है ना। बाय। और ये रही सामने होली, एक ये काफी अच्छे से तैयार की हुई है और बैलून भी है, काफी अच्छा है। मैं आ चुकी हूँ घर पे
और अभी टाइम हुआ है 2:30 बजे मेरे ख्याल से, और छुट्टी हो चुकी है हमारी जल्दी। गाइस मम्मी बना रही है क्या मटरी दाल की कचौड़ी, दाल की कचौड़ी बन रही गाइस हमारे यहाँ। यही तुम देखना चाहते थे ना, यही तो देखना चाहते थे तुम कि हमारे घर में क्या बन रहा है। मतलब चाची भी बोल रही थी कि हमें पता नहीं चल पा रहा तुम्हारे घर में क्या बन रहा है। जैसे वो भी बोल रही थी कानपुर से, कुछ भी बोल रही थी, कह रही थी कुछ भी नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है घर में। तो मम्मी अभी बना रही है दाल की भुजिया, और अब हम करेंगे ब्रोकले को मतलब माला वगैरह बनाएंगे, अब हम भी होली की पूरी तैयारी शुरू कर देंगे। तो गाइस अभी हम फिर से आ गए अपने प्लॉट में, और क्या करने के लिए जैसे मैंने सुबह बताया था कि आप हम बनाएंगे इसकी माला, तो अभी हम ढूंढ रहे हैं रस्सी। तो अभी रस्सी मम्मी ने ढूंढी है, पता नहीं मिली नहीं मिली मम्मी रस्सी। मम्मी हैंडमेड रस्सी तैयार कर रही है, मिल गए बढ़िया। 2 मिनट से घूम रही है ऐसे, इस वजह से कि इनको याद नहीं आ रहा क्या लेने गई थी। मतलब किचन में से निकली, दुकान में गई, दुकान में जाकर भूल गई कि क्या लेने गई थी, अब दोबारा किचन में गई कि याद आ जाएगा, किचन में जाकर फिर याद आया क्या रबड़ लेने गई थी, ऐसी याद है। तब लगना मैंने 2 रस्सी बनाई थी, इसलिए वो छोटी छोटी गोलरियां की माला बनेगी। आज तुमने 3 फंसा दी, मम्मी आप गांठ काट काट रहे बैठ गए। पल पड़ी फिर छोटी 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 बनती है ना, छोटी छोटी बना दी, 5 माला बना दी। उपले भी तो आते हैं ऑनलाइन अमेजोन पे, अमेजोन पे उपले बना के बेका करेंगे। मेरी साइट पे जाके चेक कर लेना अमेजोन पे उपले पाथा पाथा कर, पहले बोलना ही नहीं आता पाथेंगे तो, बोलना ही नहीं आता पाथेंगे तो जब। तो गाइस ये हमारी होलिका तैयार हो चुकी है, और ये ये कुछ इस तरीके से बन चुकी है। अब बस काम रह गया है इसको सजाने का। तो अभी हम यहाँ पे अभी अपना सेट कर लिया सारा, मतलब सेट नहीं सफाई कर लिया, तो अभी हम इसको यहाँ सजाएंगे। उससे पहले मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तो अगला व्लॉग आपको होलिका दहन का मिलेगा। तो फिलहाल ये वाली व्लॉग की एंडिंग यहीं पर करते, शक्ल नहीं दिखा रही क्योंकि कुछ स्पेशल है। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये वाली वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर देना। और गाइस क्या हाँ दोबारा से बोलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।